ढाल तोड़ के वार करे उसे तलवार कहते हैं। अपने भारत में एक ही शेर था उसे भीमराव कहते हैं। एक महापुरुष दलितों के शुभ चिंतक तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप अंबेडकर को सदा स्मरण किया जाएगा और जाता है। सारा जहां है जिसके शरण में, नमन है उन अंबेडकर के चरण में। बने पड़े बाबा की चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा भरे फूल। भीमजी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत अब मध्य प्रदेश जिसे कहा जाता है, वह राम जी की 14वीं संतान थी और उनका परिवार मराठी था और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में कार्यरत थे। अंबेडकर के पिता ने पढ़ाई के बारे में उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। अंबेडकर को निचली जाति के होने के कारण उन्हें अछूत माना जाता था और उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। कल गुजर गए वो मेरे भीम थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे। हमने सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था, देश का था वो एक अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था। बाबा साहब ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में पीएचडी की। 1921 में मास्टर ऑफ साइंस, 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस। कहते हैं ना, रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते पे बड़ी मिलती नहीं। अगर कामयाबी चाहिए तो पानी में आग लगानी पड़ेगी।